नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो लोग सर्दी जुखाम से परेशान हैं, उन लोगों को सर्दी जुखाम दूर करने के आसान से घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं। इन घरेलू उपाय को आप आसानी से घर पर कर सकते हैं और इनके जरिए आप अपने सर्दी जुखाम की परेशानी को आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी जुकाम का होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी लापरवाही और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने पर यह प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। यदि आप बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम के शिकार हो गए हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे या फिर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके ज़रिए आप आसानी से सर्दी जुकाम को घर बैठे ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय, गर्म चने को आपको सूंघना है। जी हाँ दोस्तों, गर्म चने को सूंघने से सर्दी जुकाम सही हो जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है जो आप लोग घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा नीलगिरी के तेल का अगर आप लोग भाप लेते हैं, नीलगिरी का एक तेल होता है, उसका आपको भाप लेना है। उस भाप को लेने के बाद आपको जुकाम में राहत मिल जाएगी। इसके अलावा तुलसी और अदरक, इन दोनों की अगर चाय पीते हैं आप, तो इससे आपको सर्दी जुखाम से काफ़ी लाभ मिलेगा और उससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा गर्म दूध में आपको छुआरा उबालकर उसमें थोड़ी सी इलायची और केसर मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं, तो आपका जुखाम यकीनन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक चम्मच गर्म देसी घी में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रोटी के साथ इसका सेवन किया जाए तो जुखाम ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा गुड़ में थोड़ा काली मिर्ची मिला लें और उसे चाय की तरह उबाल कर पिएं, तो इससे भी जुखाम दूर हो जाएगा। सरसों के तेल को गुनगुना गर्म करके छाती, पैर के तलवे और नाक के चारों ओर लगाने से भी जुखाम में राहत मिलती है। इसके अलावा डेढ़ चम्मच सौंफ लेकर आपको उसे फांक लेना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेना है। इसके तुरंत बाद आपको हल्का गर्म दूध पी लेना है, इससे भी आपका जुखाम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो आसान से तरीके जिनको आप घर पर ही आजमा सकते हैं और अपने सर्दी जुखाम से होने वाली परेशानी को, सर्दी जुखाम को आप दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।